डेली डोज 45 मेंटल डील टू पार्ट टू में आपका स्वागत है। आज कुछ क्वेश्चंस के साथ आया हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है द स्पेस ऑक्यूपाइड ए क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स। देखिए, क्लोज्ड फिगर लिखा है ना, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, क्लोज्ड फिगर लिखा है तो आपका यहाँ आंसर होगा एरिया। क्या होगा? एरिया। लेकिन मैं आगे का क्वेश्चन देख रहा हूँ तो ना, हो सकता है कि बुक में जो है मोटिव है कि वॉल्यूम लिखा है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम नहीं होगा, एरिया होगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम होगा तो इस जगह में क्लोज्ड के जगह में सॉलिड फिगर होगा। ठीक है, सॉलिड फिगर, तो सॉलिड फिगर के जगह तब आपको यहाँ वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप एरिया ही लिखें। ठीक है, नंबर टू, वॉल्यूम इज मेजर्ड इन डैश यूनिट्स, क्यूबिक यूनिट। आगे इसको क्लियर हम समझ जाएंगे कैसे क्यूबिक लिखें, वो बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्लियर होगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या है? साइड इंटू साइड इंटू साइड। अभी सपोज कर लीजिए किसी भी क्यूब का साइड है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर 3 टाइम लिखेंगे, तो सेंटीमीटर कितने बार होगा? 3 बार, मतलब क्यूब हो गया, इसलिए इसका भी क्यूबिक यूनिट में होगा। ठीक है, यहाँ भी क्यूबिक मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट, एल बी इंटू एच। आप लेंथ ब्रेथ और हाइट भी लिख सकते हैं या एल इंटू बी इंटू एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विद 1 सेंटीमीटर साइड। देखिए 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान दीजिए कि ये क्यूब सेंटीमीटर क्यूब लिखना ना भूलें, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विद एल, देखिए 5 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर और एच 5 सेंटीमीटर है। एल इंटू बी इंटू एच होता है, एल इंटू बी इंटू एच यानी कि 5 × 4 × 5 मल्टीप्लाई करते, 5 × 4 = 20, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा। 100 लिखिए और देखिए यहाँ क्यूबिक सेंटीमीटर है, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर का पावर 3, ये भी आप लिख सकते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ब्रेथ है और हाइट है 9 सेंटीमीटर। 10 × 8 × 9, 9 × 8 = 72 और 10 से मल्टीप्लाई करें 720 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विद साइड, देखिए वॉल्यूम पता करना है, साइड दिया हुआ है, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब? साइड इंटू साइड इंटू साइड यानी कि 9 × 9 × 9, 9 × 9 = 81, फिर 9 = 729 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 729 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर जैसा लिखा हुआ था वैसा लिख दें। एस इक्वल टू 1.1, 1.1 साइड है, 1.1 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री के बाद पॉइंट बैठ जाएगा 1.331 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द टेबल। देखिए यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है, ये लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ है, जिसमें से कोई एक मिसिंग है, जैसे इसमें हाइट मिसिंग है, इसमें ब्रेथ मिसिंग है और इसमें लेंथ मिसिंग है, तो हम लोग को पता करना वही सब। तो पहला वाला क्वेश्चन 8 का हाइट पता करना है, तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया बाय एल इंटू बी, एल इंटू बी शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आप लिखिएगा 360 रफ में इंटू 9 × 10, नीचे 0 0 कटेगा, 9 × 4 = 36, 4 सेंटीमीटर, हाँ 4 सेंटीमीटर फिल हो जाएगा। देखिए इसमें भी वही है, एरिया बाय लेंथ इंटू हाइट, एल इंटू एच, हम लोगों को निकालना क्या है? ब्रेथ। एरिया कितना है? 792, 12 × 6, 12 × 6, 6 का टेबल में काटेंगे, 6 × 1 = 6 हो गया, 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12, 12 × 1 = 12, 12 × 1 = 12, 11 आ गया, कितना आ गया 11, यहाँ पर 11 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। 924 को 1 × 7 यानी 7 से डिवाइड करना, 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21,
7 × 2 = 14, 132 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए कुछ वर्क लेते हैं आज का। जूनियर के लिए ये है, राइट इनवर्ड्स, कुछ सीनियर के लिए। अगर चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ताकि मैं इस टाइप का वीडियो लाता रहूं। राइट इनवर्स, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ऐसे ही मैथ्स के लिए बने रहें। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।